वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। हम लोग देखते हैं कि कमोडिटी में किस तरीके से आप चार्टिंग को देखेंगे और कैसे डिसीजन लेंगे। चार्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अलग अलग टाइम फ्रेम में चीज़ों को देखें। अलग अलग टाइम फ्रेम में हमारा स्ट्रेटेजी बदल जाता है। तो एक बड़ा अच्छा साइट है ग्लोबल लेवल पे investing.com। ग्लोबल और नेशनल लेवल पे हमारी करेंसी और प्राइसेस वगैरह कमोडिटी कुछ अलग होती है, लेकिन चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया होगा। जैसे यहाँ पे क्रूड का चार्ट हमने लगाया हुआ है। क्रूड के चार्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बड़ी कैंडल मंदी की बनी, उसके बाद में ये रेंज बाउंड रहा, फिर जब रेंज टूटी बहुत तेज़ी से नीचे आया। तो क्रूड में जो गिरावट थी वो गिरावट सीधी यहाँ देख रहे हैं आप, 54 से लेके 46 तक की गिरावट आ गई। ये बात डॉलर्स में हो रही है, तो आप इसको डॉलर से मल्टीप्लाई करके, डॉलर का जो प्रेजेंट वैल्यू 66 है उससे मल्टीप्लाई करके आइडिया लगा सकते हैं। फिर क्रूड ने ये लो बनाया था 38 का। इस लो के बाद आप देखते हैं किस तरह का शॉर्ट कवरिंग आया था कि बॉटम में अगर एक बार हम हिम्मत करके अपनी पोजीशन बनाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा रुकिए, क्योंकि टारगेट को और स्टॉप लॉस को लेके आपकी एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे ये बॉटम है ये किसने बताया। हो सकता है आपको लगता है कि बॉटम यहाँ है आपने यहाँ खरीदा, हो सकता है आपको लगता है बॉटम आप यहाँ है आपने यहाँ खरीदा। तो आपके पास एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि इस गिरावट में मैं तीन बार 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ। अब मेरी कैपेबिलिटी कितनी है उस हिसाब से लॉट डिसाइड करूँगा, बड़ा लॉट लेना है मिनी लॉट लेना है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 5 मिनी लॉट लेके और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ 250 रुपये का रिस्क है, या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ 500 रुपये का रिस्क है, तो प्लान होना चाहिए कि 500 रुपये इस लेवल पे, 500 रुपये इस लेवल पे और 500 रुपये इस लेवल पे। हम लोगों ने स्टॉप लॉस प्लान किया, दो बार आपका स्टॉप लॉस टूट जाएगा। एक ही बार अगर स्टॉप लॉस नहीं टूटा, वहाँ से पलट गया, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम वेट करेंगे। एक ही बार में आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि जो भी स्टॉप लॉस आपके गए हैं उसका 4 गुना प्रॉफिट आ सकता है। इतने बड़े मूवमेंट के बाद में आप देखते हैं कि यहाँ से 9/1/2015 से 17/9/2015 और 16/10/2015, मतलब 1 सितंबर से लेके ये जो लेवल बना है वहाँ से लेके अभी अक्टूबर तक पूरा एक ही रेंज में ये घूम रहा था। इस रेंज को तोड़ने का इंतज़ार है, या तो 43 के नीचे जाता है क्रूड, या फिर इधर हम ये इस पिक को देखते हैं 51 के ऊपर जाता है। अगर इस लेवल को ये तोड़ पाता है फिर बहुत तेज़ी से क्रूड में बाइंग आ जाएगी। तो इस लेवल को आप दिमाग में रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 5 आवर, डे, सबके चार्ट मिल रहे हैं। अभी हमने डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। वीक का चार्ट ओपन करते हैं तो हमको सालों का मूवमेंट देखने को मिल जाता है 2009 से लेके अभी तक का। और 2009 से लेके अभी तक में हम ये देख सकते हैं कि ये अपने यहाँ बॉटम लेवल पे घूम रहा है। इसको तोड़े तो बहुत नया बॉटम बना सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर यहाँ का लेवल तोड़ता है शॉर्ट टर्म हाई का तो एक ऊपर का लेवल आएगा। अब हम इसको मंथ के हिसाब से चार्ट बनाते हैं तो उस तरह का चार्ट सामने आएगा। मंथ के हिसाब से चार्ट बनाया तो 1983 से अभी तक का क्रूड का आपको पूरा चार्ट देखने को मिल जाता है। तो कभी कभी जब आपके पास समय हो आपको लंबे टाइम समय के चार्ट भी देखना चाहिए, ठीक है। investing.com में इस जगह हम कैसे पहुँचे हैं ये हम आप क्लास में बताने वाले हैं। एंटर किया, होम पेज आया, वहाँ पे रियल टाइम कमोडिटीज़ में जाके और आप काम कर सकते हैं। लाइव चार्ट्स आपके पास हैं, अलग अलग तरह की कमोडिटी है, उनके टेक्निकल्स हैं, सभी पे हम बात करेंगे डिटेल में। थैंक यू वेरी मच, बाय।